कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता, कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पाव को धरा पर जमाना और दूसरे पाव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे, तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं, और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को,
भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए, और सफलता आपकी ही होगी। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या? कारण है समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझे और इस धरा को स्वर्ग समझे। यदि अपने जीवन में आप चार पल भी ऐसे जी पाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।